सो वेलकम टू अवर चैनल फार्मा यूनिट। वीडियो में हम डी फार्म के फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट का जो फिफ्थ चैप्टर है डेट इज लिक्विड ओरल प्रिपेरेशन उसके सिक्स्थ पार्ट को देखने वाले हैं। इस वीडियो के पहले हमने सॉल्यूशन, एलिक्सर, सिरप एंड इमल्शन को एकदम ज़्यादा डिटेल में कवर किया है, और अगर अभी तक आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इन वीडियोज़ के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप वो वीडियो भी देख सकते हैं एंड उस पर्टिकुलर वीडियो के जो पीडीएफ नोट्स है वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हम सस्पेंशन जो कि लिक्विड ओरल प्रिपेरेशन का ही एक पार्ट है उसको एकदम ज़्यादा डिटेल में कवर करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सस्पेंशन का मतलब होता क्या है। सो सस्पेंशन ये भी एक बायोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म होता है, यानी कि इसके अंदर भी हमें दो फेजेस देखने मिलते हैं, एक होता है सॉलिड फेस, दूसरा होता है लिक्विड फेस। जब सॉलिड लिक्विड के अंदर एकदम अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है और यहाँ से वहाँ घूमने लगता है लिक्विड के अंदर, तो हमारा जो सस्पेंशन है वो बन के रेडी हो जाता है। जैसा कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पे आपको जो छोटे छोटे ब्लैक कलर के डॉट दिख रहे हैं ये होते हैं सॉलिड पार्टिकल, और जो पीछे आपको ब्लू कलर दिख रहा है वो है लिक्विड, यानी कि जो हमारा सॉलिड है वो लिक्विड के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो गया और यहाँ से वहाँ घूम रहा है, तो हमारा जो सस्पेंशन है कुछ इस तरीके से ही दिखता है। तो ये तो था एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन कि सस्पेंशन हमें हम किसको बोलते हैं। नेक्स्ट हम एकदम परफेक्ट डेफिनेशन देख लेते हैं जिसे हम अपने बोर्ड एग्जाम में लिख सके। सो सस्पेंशन आर बायोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म इन विच फाइनली डिवाइडेड सॉलिड मेडिकामेंट्स आर डिस्पर्स इन लिक्विड वहीकल, द सॉलिड पार्टिकल एक्ट एज डिस्पर्स फेस एंड लिक्विड वहीकल एक्ट एज कंटिन्यूअस फेस एंड द साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल रेंजेस फ्रॉम 0.5 to 5 micrometer। तो जैसे कि हमने अभी देखा कि हमारा सस्पेंशन ये एक बायोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म होता है, यानी कि इसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो लिक्विड के अंदर एकदम अच्छे तरीके से डिस्पर्स हो जाते हैं और यहाँ से वहाँ घूमने लगते हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो सॉलिड पार्टिकल होता है वो एक्ट करता है एज अ डिस्पर्स फेस और जो लिक्विड है वो एक्ट करता है एज अ कंटिन्यूअस फेस। और यहाँ पे जो सॉलिड पार्टिकल का जो साइज है उसका भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। यहाँ पे जो सॉलिड पार्टिकल का साइज है वो तकरीबन 0.5 to 5 micrometer तक होना चाहिए। सो ये तो था डेफिनेशन ऑफ सस्पेंशन, होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम एडवांटेजेस देख लेते हैं सस्पेंशन का। सो सस्पेंशन प्रोवाइड बेटर केमिकल स्टेबिलिटी टू वाटर इन सोल्यूबल ड्रग। सो ऐसा ड्रग जो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होता, यानी कि वाटर के अंदर वो अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हो पाता, वैसे ड्रग को अगर हम सस्पेंशन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो वैसे ड्रग का जो स्टेबिलिटी होता है वो कुछ हद तक इंक्रीज हो जाता है। सस्पेंशन आर मोर पैलेटेबल एंड आर ईजी टू स्वॉलो। सो सस्पेंशन ये पैलेटेबल होता है, यानी कि इसे कोई भी पेशेंट आसान तरीके से कंज्यूम कर सकता है, आसान तरीके से अपने बॉडी के अंदर ये ले सकता है। ड्रग्स इन सस्पेंशन हैव हायर बायो अवेलेबिलिटी। सो जो भी ड्रग्स सस्पेंशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। अब ये जो आपको ये वर्ड दिख रहा है बायो अवेलेबिलिटी, इसका क्या मतलब होता है? सो हमारे ह्यूमन ब्लड के अंदर कितने अमाउंट में ड्रग प्रेजेंट है अपना एक्शन दिखाने के लिए अपने बॉडी के अंदर, उसी को हम बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी, यानी कि कितना अवेलेबल है ड्रग अपना एक्शन दिखाने के लिए। सो सस्पेंशन कैन मार्क्स दी अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ ड्रग्स। सो ऐसा ड्रग जिसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बेकार होता है, जिसका टेस्ट थोड़ा कड़वा होता है, बीटर होता है, अगर वैसे ड्रग को हम सस्पेंशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो वैसे ड्रग का जो ये बेकार टेस्ट है वो खत्म हो जाता है। सो ये तो थे एडवांटेजेस ऑफ सस्पेंशन, होप आपको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे एडवांटेजेस। नेक्स्ट हम डिसएडवांटेजेस ऑफ सस्पेंशन को देख लेते हैं। ऑल सस्पेंशन हैज़ टू बी शेकन वेल बिफोर रिमूविंग द डोज। सो जितने भी सस्पेंशन के बॉटल होते हैं उनको हमें बहुत जोर से शेक करना पड़ता है हमें ढक्कन में निकालने से पहले, तो ये एक डिसएडवांटेज होता है सस्पेंशन का। डिफिकल्ट टू मैनुफैक्चर, सस्पेंशन को जो मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, यानी कि इसे बनाना आसान नहीं होता, थोड़ा सा मुश्किल होता है इसे बनाना। डिफिकल्ट इन ट्रांसपोर्टेशन, सो सस्पेंशन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके अंदर भी हमें प्रॉब्लम देखने मिलती है, यानी कि अगर मुझे सस्पेंशन को कंपनी में से अगर किसी फार्मेसी पे लेके जाना है तो मुझे ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ी सी दिक्कत देखने मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये लिक्विड डोसेज फॉर्म है, किसी भी लिक्विड को अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहा हूँ तो वहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देखने मिलेगा। यूनिफॉर्म एंड एक्यूरेट डोज में नॉट बी अचीव। सो सस्पेंशन को अगर कोई पेशेंट कंज्यूम कर रहा है तो वहाँ पे हमें ये बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी देखने मिलती है कि वो उसे एक एक्यूरेट डोज नहीं मिल पाता है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज होता है। फिजिकल स्टेबिलिटी सच एज सेडिमेंटेशन एंड एग्रीगेशन में कॉज प्रॉब्लम टू सस्पेंशन। सो जब भी हम सस्पेंशन को स्टोर करके रखते हैं तो हमें वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम देखने मिलता है, जैसे कि सेडिमेंटेशन देखने मिलता है उसके अंदर या फिर कभी कभी एग्रीगेशन देखने मिलता है, तो इसकी वजह से जो हमारा सस्पेंशन की जो स्टेबिलिटी होती है वो बेकार होना चालू हो जाता है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज होता है सस्पेंशन का। सो ये तो थे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सस्पेंशन, होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा कि कौन कौन से एडवांटेज होते हैं और कौन कौन से डिसएडवांटेज होते हैं सस्पेंशन के। सो नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं सस्पेंशन का। तो हमारे पास चार टाइप के सस्पेंशन अवेलेबल है, पहला होता है ओरल सस्पेंशन, दूसरा होता है पेरेंटल सस्पेंशन, तीसरा होता है ऑप्थैल्मिक सस्पेंशन एंड चौथा होता है
है सस्पेंशन फॉर एक्सटर्नल यूज। सो सबसे पहले हम ओरल सस्पेंशन को देख लेते हैं। ओरल सस्पेंशन आर कंज्यूम्ड बाय पेशेंट वाया ओरल रूट। इट कंटेन जनरली फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग एजेंट टू मार्क्स द बीटर टेस्ट ऑफ ड्रग, फॉर एग्जाम्पल क्लोरामफेनिकोल सस्पेंशन। सो ओरल सस्पेंशन, इसके नाम से ही हमें समझ जाना चाहिए कि ये कौन से टाइप का सस्पेंशन है। ये ऐसा सस्पेंशन होता है जिसे हम अपने माउथ के जरिए, हम अपने मुंह के जरिए, हम अपने बॉडी के अंदर इसे इंसर्ट करते हैं। तो ओरल सस्पेंशन के अंदर जो फ्लेवरिंग एजेंट होता है और जो स्वीटनिंग एजेंट होता है उसका एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल होता है। अब ये स्वीटनिंग एजेंट और फ्लेवरिंग एजेंट करते क्या है कि जो भी सस्पेंशन के अंदर हमने ड्रग को डाला हुआ है वो ड्रग का जो बीटर टेस्ट होता है या फिर किसी किसी ड्रग का जो बेकार टेस्ट होता है उसे ये क्या करेगा, खत्म कर देता है। सो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें ओरल सस्पेंशन की, तो वो होता है क्लोरामफेनिकोल सस्पेंशन। और ऐसे बहुत सारे सस्पेंशन होते हैं जो हमारे इंडियन मार्केट में, हमारे फार्मेसी में अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट हम पेरेंटल सस्पेंशन को देख लेते हैं। पेरेंटल सस्पेंशन आर एडमिनिस्टर्ड बाय पेरेंटल रूट। इन दिस टाइप ऑफ सस्पेंशन पार्टिकल साइज एंड विस्कोसिटी ऑफ सस्पेंशन शुड बी सच दैट दे कैन बी इजीली पास थ्रू नीडल ऑफ द सिरिंज। देयर शुड बी नो क्रिस्टल ग्रोथ इन पेरेंटल सस्पेंशन ड्यूरिंग स्टोरेज। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल इन दिस टाइप ऑफ सस्पेंशन शुड बी बिटवीन 0.5 to 30%। इट शुड बी स्टेरिलाइज्ड। सो पेरेंटल सस्पेंशन ऐसे टाइप का सस्पेंशन होता है जिसे हम अपने बॉडी के अंदर पेरेंटल रूट के जरिए ही ले सकते हैं। यानी कि अगर हमें पेरेंटल सस्पेंशन को कंज्यूम करना हो तो ऐसे सस्पेंशन हम किसी न किसी सुई के जरिए, निडल के जरिए या फिर सीरीज के जरिए ही, इंजेक्शन के जरिए ही अपने बॉडी के अंदर ले सकते हैं। सो ऐसे टाइप के सस्पेंशन के अंदर जो सस्पेंशन की विस्कोसिटी होती है, यानी कि जो सस्पेंशन का गाढ़ापन होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और साथ ही साथ जो भी सस्पेंशन के अंदर सॉलिड पार्टिकल होते हैं उनका साइज भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? अगर मान लीजिए मेरे सस्पेंशन का गाढ़ापन बहुत ज़्यादा है, यानी कि मेरे सस्पेंशन का जो विस्कोसिटी है वो अगर बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो ऐसे टाइम पे होगा क्या, मेरे सस्पेंशन नीडल के जरिए, इंजेक्शन के जरिए बाहर नहीं निकल पाएगा। और अगर वो बाहर नहीं निकल पाया तो हम अपने बॉडी के अंदर उसे बरोबर तरीके से नहीं डाल सकते हैं। और साथ ही साथ जो सॉलिड पार्टिकल होता है उसका साइज़ भी अगर बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, लार्ज पार्टिकल अगर होते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो साइज़ अगर ज़्यादा हुआ तो भी वो इंजेक्शन के जरिए बाहर नहीं निकल पाएगा, इंजेक्शन के अंदर ही कहीं जाके फंस जाएगा और हम अपने बॉडी के अंदर उसे फिर से नहीं डाल पाएंगे। तो ऐसे टाइप के सस्पेंशन के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं उसका साइज़ और सस्पेंशन की जो विस्कोसिटी होती है ये एक लिमिट में होना चाहिए, ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना तो बहुत ही कम होना चाहिए, एक प्रॉपर लिमिट में होना चाहिए। ऐसे टाइप के सस्पेंशन को जब हम स्टोर करके रखते हैं तो हमें ये भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत होता है कि वो सस्पेंशन के अंदर जो भी सॉलिड पार्टिकल है वो एक साथ इकट्ठा होकर एक बड़ा पार्टिकल नहीं बनानी चाहिए। तो इसका भी ध्यान रखना हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये सस्पेंशन हमें स्टराइल करके रखना होता है, यानी कि इसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसे हम डायरेक्टली निडल के जरिए अपने बॉडी के अंदर डालते हैं, तो कोई भी इंजेक्शन वाला चीज़ अगर हम अपने बॉडी में डालते हैं तो वो एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर कोई भी टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी कीटाणु वगैरह नहीं होने चाहिए। और पेरेंटल सस्पेंशन के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल होती है उसकी जो क्वांटिटी होती है वो भी एक लिमिट पे होना चाहिए। और इसका लिमिट क्या होता है, तो ये तकरीबन 0.5% से लेके 30% तक होना चाहिए। यानी कि अगर मेरे पास 100 ml सस्पेंशन प्रेजेंट है तो उस 100 ml सस्पेंशन के अंदर तकरीबन 30 ग्राम या फिर 0.5 ग्राम तक इसके अंदर सॉलिड पार्टिकल होने चाहिए। तो नेक्स्ट हम ऑप्थैल्मिक सस्पेंशन को देख लेते हैं। इट इज़ नॉट कॉमनली यूज्ड एज कम्पेयर टू आई ड्रॉप। दिस टाइप ऑफ सस्पेंशन इज ओनली प्रिपेयर्ड व्हेन द ड्रग इज नॉट सॉल्युबल इन डिजायर्ड सॉल्वेंट। पार्टिकल साइज ऑफ आई सस्पेंशन शुड बी वेरी फाइन सो दैट इट कैनॉट प्रोड्यूस इरिटेशन टू द आई। दिस टाइप ऑफ सस्पेंशन शुड बी आइसोटोनिक एंड स्टरिलाइज इन नेचर। सो ऑप्थैल्मिक सस्पेंशन, इसे हम आई सस्पेंशन भी बोलते हैं, ये एक ऐसे टाइप का सस्पेंशन होता है जिसे हम अपनी आंखों के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि अगर मेरे आंखों में कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आ जाते हैं तो हम उनको ठीक करने के लिए हम ऑप्थैल्मिक सस्पेंशन का यूज़ कर सकते हैं। सो अभी आपको एक मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब हमारे पास दुनिया भर के आई ड्रॉप्स प्रेजेंट है तो हम ऑप्थैल्मिक सस्पेंशन को क्यों यूज़ करते हैं और ऑप्थैल्मिक सस्पेंशन बनाने का ज़रूरत ही क्यों पड़ा। तो होता क्या है कि जब हम आई ड्रॉप्स को बनाते हैं ना, तो कुछ कुछ सॉलिड पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनको हम अच्छे तरीके से डिसॉल्व नहीं कर सकते सॉल्वेंट में। तो वैसे टाइप के सॉलिड पार्टिकल को अगर हम ऑप्थैल्मिक सस्पेंशन में कन्वर्ट कर दें तो अच्छे तरीके से कन्वर्ट हो जाता है और कुछ प्रॉब्लम भी नहीं आती। तो इसकी वजह से हमें ऑप्थैल्मिक सस्पेंशन बनाना पड़ता है ताकि हमारा जो सॉलिड पार्टिकल जो आई ड्रॉप वाले सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो रहा था वो हम सस्पेंशन में कन्वर्ट करके हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑप्थैल्मिक सस्पेंशन में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल का जो साइज है वो बहुत ही कम होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा होता है तो वो हमारे आंखों को बहुत ही नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारे आंखों में क्या कर सकता है, इरिटेशन पैदा कर सकता है। ऑप्थैल्मिक सस्पेंशन आइसोटोनिक होना चाहिए इन नेचर और साथ ही साथ ये स्टेरिलाइज होना चाहिए। सो ये तो था ऑप्थैल्मिक सस्पेंशन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सस्पेंशन फॉर एक्सटर्नल यूज। सस्पेंशन कंटेन वेरी स्मॉल पार्टिकल टू अवॉइड ग्रिटीनेस एंड इरिटेशन टू द स्किन। द सॉल्वेंट इन द सस्पेंशन इवेपोरेट्स फ्रॉम द स्किन, लीविंग अ लाइट डिपॉजिट ऑफ मेडिकामेंट ऑन द सर्फेस आफ्टर अप्लाइंग।
सो सस्पेंशन फॉर एक्सटर्नल यूज़, ये एक ऐसे टाइप का सस्पेंशन होता है जिसे हम अपने बॉडी के बाहरी हिस्से जैसे कि स्किन वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर मेरे स्किन वगैरह पे कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सस्पेंशन फॉर एक्सटर्नल यूज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये वाले सस्पेंशन के अंदर भी जो सॉलिड पार्टिकल का साइज़ होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। यानी कि सॉलिड पार्टिकल का साइज़ बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर सॉलिड पार्टिकल का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ तो ये क्या करेगा, हमारे स्किन को इरिटेट कर देता है। अब मान लीजिए अगर मैं आपके स्किन पे अगर मिट्टी को रगड़ दूँ तो क्या होगा, आपका स्किन क्या होगा, लाल हो जाएगा, रैशेस आ जाएंगे, उस पर जलने लगेगा। तो इसकी वजह से ही हमारे ये वाले सस्पेंशन के अंदर भी सॉलिड पार्टिकल का जो साइज़ है वो बहुत ही कम होना चाहिए। तो ऐसे टाइप का सस्पेंशन जब हम अपने स्किन पर अप्लाई करते हैं ना, तो होता क्या है, अप्लाई करने के बाद ही जो सस्पेंशन के अंदर का लिक्विड होता है वो हवा में गायब हो जाता है, यानी कि हवा में इवेपोरेट हो जाता है, लेकिन जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वही सिर्फ हमारे स्किन पर रहते हैं और वही हमारे स्किन के प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। सो ये तो था क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन, होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। हम फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन को देख लेते हैं, यानी कि एक सस्पेंशन को बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट का हम इस्तेमाल करते हैं। सो सबसे पहला होता है फ्लॉकुलेटिंग एजेंट। इन सस्पेंशन द सॉलिड पार्टिकल आर वेल डिस्पर्स इन लिक्विड मीडियम एंड दिस डिस्पर्शन कैन बी इंप्रूव्ड बाय एडिशन ऑफ फ्लॉकुलेटिंग एजेंट सच एज सोडियम लॉरियल सल्फेट ट्विन स्पैंस एंड कार्बोवैक्स। सो जैसे कि हमें पता है कि सस्पेंशन के अंदर जो भी सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो लिक्विड के अंदर अच्छे तरीके से डिस्पर्स हो जाते हैं और यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं। तो अगर हमें डिस्पर्शन के प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना हो या फिर इसी डिस्पर्शन के प्रॉपर्टी को हमें लंबे समय तक ले जाना हो तो हम क्या करते हैं, फ्लॉकुलेटिंग एजेंट का यूज़ करते हैं सस्पेंशन के अंदर। और अगर हमने कभी भी सस्पेंशन के अंदर फ्लॉकुलेटिंग एजेंट का यूज़ कर दिया तो हमारे सस्पेंशन का जो क्वालिटी होता है वो और इम्प्रूव हो जाता है। अब फ्लॉकुलेटिंग एजेंट जैसे कि सोडियम लॉरियल सल्फेट होते हैं, ट्विन्स होते हैं, स्पैंस होते हैं और कार्बोवैक्स होते हैं। तो नेक्स्ट मटेरियल होता है थिकनिंग एजेंट। थिकनिंग एजेंट इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ कंटिन्यूअस फेस सो दैट सॉलिड पार्टिकल रिमेन सस्पेंडेड इन इट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो जैसे कि हमने डेफिनेशन में लिखा था सस्पेंशन के, कि हमारे सस्पेंशन के अंदर दो फेजेस होते हैं, एक होता है लिक्विड, दूसरा होता है सॉलिड। जो लिक्विड होता है उसको हम कंटिन्यूअस फेज बोलते हैं और जो सॉलिड पार्टिकल होता है उसको हम डिस्पर्स फेज बोलते हैं। तो थिकनिंग एजेंट क्या करता है, थिकनिंग एजेंट कंटिन्यूअस फेज यानी कि जो भी सस्पेंशन के अंदर लिक्विड होता है उसके थिकनेस को, उसके विस्कोसिटी को, उसके गाढ़ेपन को बढ़ा देता है। अब जैसे ही इस लिक्विड का गाढ़ापन, इस लिक्विड का विस्कोसिटी बढ़ जाएगा तो बढ़ने की वजह से जो भी सॉलिड मटेरियल होते हैं सस्पेंशन के अंदर वो और अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे सस्पेंशन के अंदर और लंबे समय तक मिक्स होंगे और क्या होगा, यहाँ पे सस्पेंशन की जो क्वालिटी है वो और अच्छी हो जाएगी। अगर हम थिकनिंग एजेंट के एग्जांपल की बात करें तो हमारा थिकनिंग एजेंट तीन पार्ट में क्लासिफाई हुआ है। पहला होता है पॉलीसेक्राइड्स, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक थिकनिंग एजेंट और तीसरा होता है सिंथेटिक थिकनिंग एजेंट। अगर हम पॉलीसेक्राइड्स की बात करें तो पॉलीसेक्राइड्स भी दो पार्ट में क्लासिफाई हुए हैं। पहला होता है नेचुरल पॉलीसेक्राइड्स जैसे कि गम अकेशिया, ट्रगाकन, स्टार्च, सोडियम अल्जिनेट। दूसरा होता है सेमी सिंथेटिक पॉलीसेक्राइड्स जैसे कि मिथाइल सेलुलोज, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, माइक्रोक्रिस्टलाइन एंड सेलुलोज। फिर अगर दूसरे थिकनिंग एजेंट की बात करें जो कि हमारा इनऑर्गेनिक एजेंट होता है वो होते हैं क्ले, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। फिर लास्ट जो थिकनिंग एजेंट होते हैं वो होते हैं हमारे सिंथेटिक थिकनिंग एजेंट जैसे कि कोलाइडर, सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो गए, ये सब होते हैं हमारे सिंथेटिक थिकनिंग एजेंट। सो थर्ड मटेरियल यूज होता है हमारे फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन के अंदर, वो होता है वेटिंग एजेंट। दिस सब्सटेंस रिड्यूस इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन सॉलिड पार्टिकल एंड लिक्विड मीडियम एंड प्रोड्यूस दिस सस्पेंशन ऑफ रिक्वायर्ड क्वालिटी। फॉर एग्जांपल अल्कोहल इन ट्रगाखंड म्यूसिलेज, ग्लिसरीन इन सोडियम अल्जिनेट, पॉलीसॉर्बेट इन पेरेंट्रल एंड ओरल सस्पेंशन। सो बहुत सारे सॉलिड मटेरियल्स ऐसे होते हैं अगर हम उनको किसी भी लिक्विड के साथ मिक्स करना चाहें, किसी भी लिक्विड के साथ अगर हम उसे भिगोना चाहें, उसे वेट करना चाहें, तो वो सॉलिड मटेरियल किसी भी लिक्विड के साथ वो अच्छे तरीके से ना तो मिक्स हो पाता है, ना तो उसे वो भीग पाता है, ना तो वेट हो पाता है। तो इसी प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए और इसी प्रॉपर्टी को लाने के लिए हम क्या करते हैं, वेटिंग एजेंट का यूज़ करते हैं। और वेटिंग एजेंट क्या करता है, वेटिंग एजेंट किसी भी सॉलिड और लिक्विड के बीच का जो भी इंटरफेशियल टेंशन होता है उसको ये कम कर देता है और कम होने के बाद वो सॉलिड मटेरियल आराम से क्या होता है, किसी भी लिक्विड के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है। अगर हम वेटिंग एजेंट के एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल होते हैं अल्कोहल इन त्रगाखंड म्यूसिलेज, ग्लिसरीन इन सोडियम अल्जिनेट और लास्ट एग्जांपल होता है पॉलीसॉर्बेट इन पेरेंट्रल एंड ओरल सस्पेंशन। फिर चौथा हमारा इंग्रेडिएंट होता है प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ इन दी सस्पेंशन। फॉर एग्जांपल बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट, मिथाइल एंड प्रोपाइल पैराबिन। जैसे कि हमने हर एक लेक्चर में प्रिजर्वेटिव के बारे में पढ़ा है, प्रिजर्वेटिव एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि किसी भी मेडिसिन के अंदर, चाहे वो सस्पेंशन हो, इमल्शन हो, टैबलेट हो, किसी भी मेडिसिन के अंदर क्या करता है, माइक्रोबियल ग्रोथ को रोक के रखता है। अगर मेरे मेडिसिन के अंदर कुछ भी बैक्टीरिया वगैरह का ग्रोथ हो रहा है, फंगस वगैरह का ग्रोथ हो रहा है, तो ये प्रिजर्वेटिव क्या करेगा, उसको रोक के रखेगा और हमारे जो भी मेडिसिन होते हैं उसको सड़ने से ये क्या करता है, बचाता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें प्रिजर्वेटिव की, सो एग्जांपल होते हैं बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट, मिथाइल एंड प्रोपाइल पैराबिन, जिनका हम इस्तेमाल करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव इन फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन। फिर फिफ्थ वन होता है हमारा ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स। कलरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट एंड फ्लेवरिंग एजेंट आर जनरली एडेड इन ओरल सस्पेंशन, परफ्यूम
एंड कलर आर एडेड इन सस्पेंशन विच आर मेंट फॉर एक्सटर्नल यूज. सो ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट जैसे कि कलरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, इनका हम ज़्यादा करके इस्तेमाल करते हैं ओरल सस्पेंशन को बनाने के लिए. अब हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं ओरल सस्पेंशन को बनाने के लिए, क्योंकि ओरल सस्पेंशन के अंदर जो भी कड़वे ड्रग होते हैं, ऐसा ड्रग जिनका टेस्ट बहुत ही बेकार होता है या बीटर टेस्ट होता है, उनको खत्म करने के लिए और हमारे ओरल सस्पेंशन का टेस्ट और अच्छा करने के लिए हम क्या करते हैं, स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट या कलरिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं. और ऐसा सस्पेंशन जिसको हम अपने स्किन वगैरह पे अप्लाई करते हैं, जिसको हम अपने बॉडी के बाहरी हिस्से पे अप्लाई करते हैं, उनके अंदर ज़्यादा करके हमें परफ्यूम वगैरह का इस्तेमाल करना होता है या फिर डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल करना होता है, जिसकी वजह से हमारे सस्पेंशन का जो एट्रैक्टिवनेस होता है वो बढ़ जाता है. सो नेक्स्ट होता है ऑस्मोटिक एजेंट. दिस आर यूज इन ऑप्थेलमिक और इंजेक्टेबल सस्पेंशन, फॉर एग्जांपल डेक्सट्रोज एंड मैनिटोल. अगर हम ऑस्मोटिक एजेंट की बात करें तो ऑस्मोटिक एजेंट्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जिनका ज़्यादा करके इस्तेमाल ऑप्थेलमिक या फिर इंजेक्टेबल सस्पेंशन में होता है, और एग्जाम्पल इनके होते हैं डेक्सट्रोज और मैनिटोल. सो ये तो था हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन, होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा. नेक्स्ट हम स्टोरेज देख लेते हैं सस्पेंशन का. सस्पेंशन शुड बी स्टोर्ड इन कूल प्लेस बट डो नॉट रेफ्रिजरेट इट एज इट विल लीड टू एग्रीगेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल. सस्पेंशन आर यूजुअली पैक्ड इन कंटेनर विच हैव एडिक्वेट स्पेस फॉर शेकिंग. सो हमारा जो सस्पेंशन होता है इसे हम ज़्यादा करके कूल प्लेस यानी कि ऐसा जगह जो थोड़ा ठंडा हो यानी कि रूम टेम्परेचर पे इसे हम स्टोर करके रखते हैं. और हमें एक बात का यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है कि हमें कभी भी किसी भी सस्पेंशन को फ्रीज में रख के उसे जमा नहीं देना है हमें बर्फ़ के जैसा. अगर हम किसी भी सस्पेंशन को फ्रीज कर देते हैं, उसे रेफ्रिजरेट कर देते हैं, तो हमारा जो सस्पेंशन है वो क्या हो जाएगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा, उसकी जो स्टेबिलिटी है वो बेकार हो जाएगी. और हमारे सस्पेंशन को हम ऐसे कंटेनर में स्टोर करके रखते हैं जिनका साइज़ थोड़ा बड़ा हो. अब साइज़ बड़ा होगा तो यहाँ पे फ़ायदा क्या होगा, हमें सस्पेंशन को शेक करने के लिए अच्छे से जगह मिल जाएगा, क्योंकि हमें सस्पेंशन को बिना शेक किए कभी भी कंज्यूम नहीं करना होता है. इसके वजह से हमें सस्पेंशन को ऐसे कंटेनर में इसे स्टोर करके रखना है जिसे हम आसान तरीके से शेक कर सके. सो ये तो था स्टोरेज, होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा स्टोरेज ऑफ सस्पेंशन. सो नेक्स्ट हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन को देख लेते हैं, यानी कि एक सस्पेंशन को हम किन किन मेथड से बना सकते हैं. ये टॉपिक पढ़ने से पहले ना हमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनका जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है. इनमें से सबसे पहला पॉइंट होता है सेडिमेंटेशन. अब ये सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास एक मिक्सर प्रेजेंट है जिनके अंदर सॉलिड और लिक्विड ये दोनों ही प्रेजेंट है. अब मैं क्या करूँगा, अगर इस मिक्सर को थोड़े टाइम के लिए साइड में अगर रख दूँ तो मुझे क्या देखने मिलेगा कि इस मिक्सर के अंदर जो भी सॉलिड है वो धीरे धीरे नीचे आने लगेगा और एक पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा. अब ये पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर जो भी बन रहा है, इस पहाड़ जैसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेडिमेंट, और इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन. सो नेक्स्ट पॉइंट होता है डिफ्यूजिबल एंड इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स. सो इसका मतलब क्या होता है, सो हमारे पास ना कुछ सॉलिड्स होते हैं जो वाटर के साथ अच्छे तरीके से मिक्स भी हो जाते हैं, और साथ ही साथ ये सॉलिड्स वाटर के अंदर लंबे समय तक यहां से वहां घूमते भी रहते हैं और डिस्पर्स फॉर्म में रहते हैं. तो ऐसे ही सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजिबल सॉलिड्स, जो कि वाटर के साथ अच्छे तरीके से मिक्स भी हो जाता है और साथ ही साथ वाटर के अंदर लंबे समय तक डिस्पर्स फॉर्म में यहां से वहां घूमते रहता है. लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो वाटर के साथ ना ही अच्छे तरीके से मिक्स हो पाते हैं और ना ही ये वाटर के अंदर लंबे समय तक यहां से वहां घूमते रहते हैं. तो ऐसा सॉलिड्स जो वाटर के साथ ना तो अच्छे तरीके से मिक्स हो पाए, ना ही वाटर के अंदर यहां से वहां डिस्पर्स फॉर्म में घूम पाए, वैसे सॉलिड्स को हम बोलते हैं इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स. एंड नेक्स्ट पॉइंट होता है व्हीकल. बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि व्हीकल का मतलब क्या होता है. सो व्हीकल एक ऐसा लिक्विड होता है जो किसी भी फॉर्मुलेशन को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है. अभी आप ये याद कर लीजिए कि व्हीकल मतलब एक लिक्विड, चाहे वो वाटर हो सकता है, चाहे वो क्लोरोफॉर्म भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक लिक्विड फॉर्म में होता है जिसको हम बोलते हैं व्हीकल. सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके जरिए हम सस्पेंशन को बना सकते हैं. सो हमारे पास टोटल चार मेथड्स होते हैं, सस्पेंशन कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सॉलिड, सस्पेंशन कंटेनिंग इंडिफ्यूजिबल सॉलिड्स, सस्पेंशन कंटेनिंग प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड एंड सस्पेंशन बाय केमिकल रिएक्शन. इन चारों को हम एक एक करके देख लेते हैं. सबसे पहला होता है सस्पेंशन कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सॉलिड्स, यानी कि डिफ्यूजिबल सॉलिड्स को हम सस्पेंशन के फॉर्म में कैसे बना सकते हैं. जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि डिफ्यूजिबल सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो वाटर के साथ अच्छे तरीके से मिक्स भी हो जाते हैं और साथ ही साथ ये वाटर के अंदर लंबे समय तक, लंबे टाइम तक यहां से वहां डिस्पर्स फॉर्म में घूमते रहते हैं. सो नेक्स्ट हम इसका मेथड देख लेते हैं कि हम डिफ्यूजिबल सॉलिड को किस मेथड से बना सकते हैं. टेक ऑल दिस सॉलिड इंग्रेडिएंट इन मोर्टार एंड कन्वर्ट देम इनटू पाउडर. ऐड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ व्हीकल इनटू द पाउडर सो दैट इट कैन बिकम अ स्मूथ क्रीम. ऐड मोर ऑफ व्हीकल टू द क्रीम सो दैट दिस क्रीम गेट कन्वर्टेड इनटू फ्री फ्लोइंग पोरेबल लिक्विड. फिल्टर इफ एनी फॉरेन पार्टिकल आर प्रेजेंट इन द लिक्विड एंड ट्रांसफर इट इनटू बॉटल. रिंस द मोर्टार एंड पेसल विद व्हीकल एंड ऐड दिस व्हीकल इनटू बॉटल. ऐड एनी लिक्विड इंग्रेडिएंट. ऐड मोर ऑफ व्हीकल टू एडजस्ट फाइनल वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन एंड शेक द बॉटल.
सो इस मेथड में हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक मोटार लेते हैं। उस मोटार के अंदर हम जो भी सॉलिड मटेरियल हमारे पास प्रेजेंट होता है फॉर्मुलेशन के अंदर, उस सॉलिड मटेरियल को हम मोटार के अंदर डाल देते हैं। अब मोटार के अंदर डालने के बाद हम इस सॉलिड को क्या करते हैं, अच्छे तरीके से पीसते हैं। अब पीसने से क्या होगा, हमारा जो सॉलिड है ना वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे ही हमारा सॉलिड पाउडर में कन्वर्ट हो चुका है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसी पाउडर के अंदर हम थोड़ा सा व्हीकल ऐड कर देते हैं। अब हमारा जो पाउडर है वो व्हीकल के ऐड करने के बाद ना एक क्रीम बन जाएगा। अब जैसे ही हमारा पाउडर एक क्रीम में बन गया, इस क्रीम के अंदर ना हम और पानी डालते हैं ताकि हमारा जो क्रीम है वो एक लिक्विड में बन जाए। सो अभी तक हमने क्या किया, पहले तो सॉलिड लिया, वो सॉलिड को अच्छे तरीके से पीसा ताकि वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाए, पाउडर के अंदर हमने थोड़ा सा व्हीकल डाला ताकि वो क्रीम में कन्वर्ट हो जाए, क्रीम के अंदर हमने थोड़ा और व्हीकल को डाला ताकि हमारा जो क्रीम है वो एक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो जैसे ही हमारा ये पूरा का पूरा पाउडर जो था स्टार्टिंग में वो एक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर हमें क्या देखना है कि हमारे लिक्विड के अंदर कहीं कुछ कचरा वगैरह तो नहीं प्रेजेंट है। अगर कुछ कचरा प्रेजेंट रहता है हमारे लिक्विड में तो हम क्या करते हैं, उसे फिल्ट्रेशन के जरिए उस कचरे को बाहर निकाल लेते हैं और लिक्विड को हम क्या कर देते हैं, बॉटल के अंदर भर देते हैं। अब हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा ऑलमोस्ट जो काम होता है सस्पेंशन बनाने का वो खत्म हो जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, हमारा काम खत्म हो गया तो जो भी मोटार एंड पैसल के अंदर हमने पूरा का पूरा ये काम किया हुआ है, उस मोटार एंड पैसल को व्हीकल के जरिए हम क्या करते हैं, अच्छे तरीके से धो लेते हैं, अच्छे तरीके से रिंस कर लेते हैं। अब जो भी व्हीकल से हमने मोटार एंड पैसल को धोया हुआ है, वही व्हीकल को हम क्या करेंगे, हमारे सस्पेंशन वाले बॉटल के अंदर डाल देते हैं। अब सस्पेंशन वाले बॉटल के अंदर डालने के बाद हम क्या करते हैं, अगर हमें कुछ फ्लेवरिंग एजेंट या स्वीटनिंग एजेंट या कोई और लिक्विड वगैरह अगर ऐड करना होता है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली उसे सस्पेंशन के ही बॉटल के अंदर डाल देते हैं। और लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जितना वॉल्यूम हमें सस्पेंशन का चाहिए होता है उतना वॉल्यूम हम क्या करते हैं, व्हीकल के जरिए बना लेते हैं। सो यहाँ पर हमारा जो सस्पेंशन है डिफ्यूसिबल सॉलिड वाला वो बन के रेडी हो जाता है। होप आपको ये पहला मेथड अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेकंड मेथड, सस्पेंशन कंटेनिंग इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स, यानी कि इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स को हम सस्पेंशन में कैसे बना सकते हैं। अभी हमने देखा था कि इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स का मतलब क्या होता है, इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो ना तो वाटर के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो पाते हैं, ना ही ये वाटर के अंदर लंबे समय तक डिस्पर्स फॉर्म में यहां से वहां घूम पाते हैं। तो ये ऐसे सस्पेंशन को हम किस तरीके से बनाते हैं उसका हम मेथड देख लेते हैं। टेक ऑल द सॉलिड इंग्रेडिएंट इन मोटार एंड कन्वर्ट देम इनटू पाउडर, ऐड कंपाउंड रगाकन पाउडर इन मोटार एंड मिक्स ऑल द इंग्रेडिएंट थॉरली, एड 3/4 क्वांटिटी ऑफ व्हीकल इन द पाउडर एंड टीचुरेट इट, फिल्टर इफ एनी फॉरेन पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एंड ट्रांसफर दिस मिक्सचर इन टू बॉटल, रिंस द मोटार एंड पेसल विद व्हीकल एंड एड दिस व्हीकल इन टू बॉटल, एड इफ एनी लिक्विड इंग्रेडिएंट इज प्रेजेंट इन द सस्पेंशन बॉटल, एड मोर ऑफ व्हीकल टू एडजस्ट द फाइनल वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन एंड शेक द बॉटल प्रॉपरली। सो इस मेथड में हम क्या करते हैं, मोटार लेते हैं और उस मोटार के अंदर जितने भी इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स हमारे फॉर्मुलेशन में प्रेजेंट है उनको अपने मोटार के अंदर डालते हैं और उनको अच्छे तरीके से पीस लेते हैं, टीचुरेट कर लेते हैं ताकि हमारा इनडिफ्यूजिबल सॉलिड मटेरियल एक पाउडर में कन्वर्ट हो जाए। अब हमारा जैसे ही ये इनडिफ्यूजिबल सॉलिड एक पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा, हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, एक केमिकल है उसको हम इसके अंदर डालते हैं। अब ये केमिकल का नाम क्या है, सो ये केमिकल का नाम होता है कंपाउंड रगाकन पाउडर। सो हम क्या करते हैं, कंपाउंड रगाकन पाउडर को हमारे मोटार के अंदर डाल देते हैं। तो हमारे मोटार के अंदर अब दो चीज़ प्रेजेंट है, एक इनडिफ्यूजिबल सॉलिड जिनको हमने पाउडर में कन्वर्ट कर दिया और दूसरा कंपाउंड रगाकन केमिकल। इन दोनों को हम क्या करते हैं, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं, अच्छे तरीके से टीचुरेट कर लेते हैं। अब जैसे ही हमारा ये पूरा का पूरा पाउडर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, 3/4 क्वांटिटी यानी कि 3/4 व्हीकल का लेते हैं और उसको अपने पाउडर के अंदर डाल देते हैं और अच्छे तरीके से उसे मिक्स कर लेते हैं। जैसे ही हमारा ये पाउडर व्हीकल के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा, हमें फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या देखना है, ये देखना है कि हमारे इस मिक्सर के अंदर जो कि अभी अभी हमने बनाया हुआ है इसके अंदर कहीं कुछ कचरा तो नहीं प्रेजेंट है। अगर कुछ कचरा इसके अंदर रहता है, कुछ फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह कुछ रहते हैं इसके अंदर, तो हम क्या करते हैं, इस कचरे को, इस फॉरेन पार्टिकल को हम फिल्ट्रेशन के जरिए बाहर निकाल लेते हैं और इस मिक्सर को हम सस्पेंशन वाले बॉटल के अंदर, जो बॉटल हमने इसके लिए रखा हुआ है उस बॉटल के अंदर हम इसे ट्रांसफर कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, अब हमारा पूरा का पूरा सस्पेंशन बनाने का काम खत्म हो चुका है तो अब हमें क्या करना है, जो भी मोटार एंड पैसल हमारा जिसके अंदर हमने काम किया हुआ है उस मोटार एंड पैसल को अच्छे तरीके से रिंस करते हैं, यानी कि अच्छे तरीके से उसे धो लेते हैं और जिस व्हीकल से हमने उसे धोया है उसी व्हीकल को हम क्या करते हैं, सस्पेंशन वाले बॉटल के अंदर डाल देते हैं। फिर लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, अगर हमें कुछ फ्लेवरिंग एजेंट या फिर कुछ अलग से लिक्विड वगैरह अगर कुछ डालना होता है तो वो हम डाल लेते हैं और लास्ट में फाइनल वॉल्यूम जो सस्पेंशन का जितना हमें चाहिए होता है उतना एडजस्ट कर लेते हैं और अच्छे तरीके से शेक करके उसे रख देते हैं। सो ये तो था इनडिफ्यूजिबल सॉलिड को कैसे हम सस्पेंशन में कन्वर्ट कर देते हैं वो वाला मेथड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सस्पेंशन कंटेनिंग प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड।
सो अब ये प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड का मतलब क्या होता है? देर आर सर्टन लिक्विड केमिकल दैट प्रेसिपिटेट्स ऑन एडिशन ऑफ वाटर, फॉर एग्जाम्पल कंपाउंड बेंजोइन टिंचर। सो हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में ना कोई कोई लिक्विड केमिकल ऐसे प्रेजेंट होते हैं, अगर उस लिक्विड केमिकल के अंदर हमने अगर थोड़ा सा भी पानी ऐड कर दिया तो वो लिक्विड ना प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वो लिक्विड के अंदर ना हमें सॉलिड पार्टिकल का फॉर्मेशन देखने मिलेगा। तो ऐसे ही लिक्विड को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड, यानी कि ऐसा लिक्विड जिसके अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। सो हम इसका मेथड देख लेते हैं कि ये वाले लिक्विड को हम कैसे सस्पेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। टेक मोटार एंड ऐड डिफ्यूसिबल सॉलिड्स, इनडिफ्यूसिबल सॉलिड्स एंड ट्रकाकंत इन मोटार, ऐड अबाउट 50% ऑफ व्हीकल इन मोटार एंड टीचुरेट इट टू मिक्स ऑल द इंग्रेडिएंट एंड ऐड रिमेनिंग 50% ऑफ व्हीकल इन टू इट, मेजर द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड एंड ऐड दिस प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड इन टू द मोटार विथ रैपिड मिक्सिंग, डिजॉल्व द सोल्यूबल इंग्रेडिएंट इफ प्रेजेंट, फिल्टर आउट इफ एनी फॉरेन पार्टिकल आर प्रेजेंट एंड ट्रांसफर इट इन टू बॉटल, रिंस द मोटार एंड पेसल विद व्हीकल एंड ऐड दिस व्हीकल इन टू बॉटल, ऐड इफ एनी लिक्विड इंग्रेडिएंट आर प्रेजेंट, एडजस्ट द फाइनल वॉल्यूम विद व्हीकल एंड शेक द बॉटल प्रॉपरली। सो ये वाले मेथड में हम क्या करते हैं, ये वाले मेथड में हम सबसे पहले एक मोटार लेते हैं, उस मोटार के अंदर हम तकरीबन तीन केमिकल को ऐड करते हैं। ये तीन केमिकल होते हैं डिफ्यूसिबल सॉलिड्स, इनडिफ्यूसिबल सॉलिड्स एंड कंपाउंड रकाकन पाउडर। इन तीनों के तीनों केमिकल को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं मोटार के अंदर। अब हमारा ये तीनों का तीनों केमिकल जैसे ही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा, हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम नेक्स्ट स्टेप में तकरीबन 50% व्हीकल लेते हैं, यानी कि जितना व्हीकल हमारे फॉर्मुलेशन में मेंशन है उसका तकरीबन 50% व्हीकल हम लेंगे और उस 50% व्हीकल को ये पाउडर के अंदर डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अभी हमारा ये जो पाउडर का मिक्सर था ना, ये व्हीकल के डालने के बाद ना क्रीम में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमारा ये पाउडर जैसे ही क्रीम में कन्वर्ट हो जाता है, अब वैसे ही हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप चालू हो जाता है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, जो भी प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड होता है उसको हमें अच्छे तरीके से मेज़र करना है, और मेज़र करने के बाद जो भी क्रीम हमने अभी तक बनाया हुआ है अपने मोटार के अंदर, उसके अंदर हमें क्रीम के बीचों बीच में क्या करना है, इस प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड को क्या करना है, डालते रहना है। और जैसे ही हम इस प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड को क्रीम के अंदर डालेंगे, साथ ही साथ हमें क्या करना है, रैपिडली फटाफट उसे मिक्स भी करते रहना है। अब यहाँ पे जैसे ही हमारा अच्छे तरीके से ये प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड क्रीम के साथ मिक्स हो जाएगा, हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, अगर हमारे फॉर्मुलेशन में कोई और एक्स्ट्रा सॉलिड प्रेजेंट है तो उसको भी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में डिजॉल्व कर लेते हैं। और डिजॉल्व करने के बाद हमारा जो भी मिक्सचर बन जाता है यहाँ पे सस्पेंशन का, उसको हम क्या करते हैं, अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि कहीं इसके अंदर कुछ कचरा वगैरह तो नहीं प्रेजेंट है। अगर कुछ कचरा वगैरह प्रेजेंट होता है तो हम क्या करते हैं, उसे फिल्ट्रेशन के जरिए बाहर निकाल लेते हैं और इस पूरे के पूरे मिक्सचर को एक बॉटल में डाल देते हैं और उसे अच्छे तरीके से पैक कर देते हैं। फिर हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा काम तो खत्म हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हमारे मोटार एंड पेसल को व्हीकल के जरिए अच्छे तरीके से उसे हम धो लेंगे। तो धोने के बाद जो व्हीकल से हमने मोटार एंड पेसल को धोया हुआ है, उसी व्हीकल को हम क्या करेंगे, हमारे सस्पेंशन वाले बॉटल के अंदर उसे डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। फिर लास्ट स्टेप में हम एकदम लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, अगर हमें कुछ फ्लेवरिंग एजेंट या स्वीटनिंग एजेंट या कोई अलग अलग केमिकल का जो भी हमारे फॉर्मुलेशन में केमिकल प्रेजेंट होते हैं, अगर उनको हमें डालना हो सस्पेंशन के अंदर, तो उसे हम एकदम लास्ट वाले स्टेप में डालते हैं। और हमारा लास्ट स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी सस्पेंशन का वॉल्यूम होता है फाइनल वॉल्यूम, उसको हम क्या करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हीकल। सो ये मेथड ऐसा मेथड था जिसके अंदर हमने ये देखा कि एक प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड को हम एक सस्पेंशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमने क्या किया, मोटार लिया, मोटार के अंदर डिफ्यूजिबल सॉलिड, इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स एंड कंपाउंड ट्रकाकन पाउडर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, फिर उसके अंदर 50% व्हीकल डाल दिया और क्रीम में कन्वर्ट कर दिया। क्रीम बनाने के बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड लेते हैं, उसको बीचों बीच में क्रीम के अंदर डालते हैं और उस प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास फॉर्मुलेशन में कोई और सॉलिड मटेरियल प्रेजेंट है तो उसको भी हम क्या करते हैं, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हमारा सस्पेंशन पूरा रेडी हो जाता है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि कहीं इसके अंदर कुछ फॉरेन पार्टिकल तो नहीं प्रेजेंट है। अगर कुछ फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट है तो हम क्या करते हैं, उसे फिल्टर कर लेते हैं और हमारे मिक्सर को बॉटल के अंदर डाल देते हैं। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, अगर हमें कुछ फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट वगैरह कुछ डालना होता है तो वो डाल देते हैं। फिर उसके बाद हम फाइनल वॉल्यूम को एडजस्ट कर देते हैं। सो नेक्स्ट हम सस्पेंशन प्रोड्यूस बाय केमिकल रिएक्शन वाले मेथड को देख लेते हैं। सम ऑफ द सस्पेंशन आर प्रोड्यूस बाय केमिकल रिएक्शन बिटवीन द इंग्रेडिएंट यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन। इन दिस द रिएक्टेंट्स आर हाईली डाइल्यूटेड एंड मिक्स टुगेदर टू फॉर्म वेरी फाइनली डिवाइडेड प्रेसिपिटेट्स दैट कैन बी इजीली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द लिक्विड बाय शेकिंग। द प्रेसिपिटेट सो फॉर्म्ड आर डिफ्यूसिबल इन नेचर, हैंस देर इज नो नीड ऑफ एडिंग एनी सस्पेंडिंग एजेंट। एग्जाम्पल्स आर सल्फरेटेड पोटैश एंड जिंक सल्फेट मिक्सचर।
सो हमारे पास कुछ ऐसे सस्पेंशंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन के मदद से प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि फॉर्मूलेशन के अंदर ही कुछ क्या होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपस में ही रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, और उनके रिएक्शन के वजह से हमें सस्पेंशन बनते हुए दिखता है। सो ये वाले मेथड में हमें क्या दिखता है, दो रिएक्टेंट होंगे यानी कि दो केमिकल होते हैं, वो आपस में अच्छे तरीके से रिएक्शन कर लेते हैं और रिएक्शन करने के बाद ना एक प्रेसिपिटेट बना लेते हैं, और यही प्रेसिपिटेट एक सस्पेंशन की तरह होता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें सो एग्जाम्पल होते हैं सल्फरेटेड पोटैश एंड जिंक सल्फेट मिक्सचर। सो होप आपको ये चारों के चारों मेथड सस्पेंशन बनाने के अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। फ्लॉक्यूलेटेड एंड डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन क्या होता है, सो ये टॉपिक पढ़ने से पहले हमें दो पॉइंट है उनका जानना बहुत ही जरूरी है। पहला होता है फ्लॉक्यूल्स एंड दूसरा है फ्लॉक्यूलेशन। ये दोनों का मतलब क्या होता है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो सस्पेंशन होता है उसके अंदर सॉलिड एंड लिक्विड ये दोनों का मिक्सचर प्रेजेंट होता है। सो कभी कभी क्या होता है, जो सॉलिड होते हैं ना वो आपस में एक दूसरे के साथ एक नेटवर्क बना लेते हैं, और एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं, फ्लॉक्यूल्स। और इस बनने के प्रोसेस को, फ्लॉक्यूल्स बनने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, फ्लॉक्यूलेशन। यानी कि मेरे पार्टिकल ने अगर एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, बहुत सारे पार्टिकल मिलके एक नेटवर्क बना लिए, एक ग्रुप बना लिए, तो वो उसको हम बोलते हैं फ्लॉक्यूल्स, और ये बनने के प्रोसेस को, फ्लॉक्यूल्स बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्लॉक्यूलेशन। जैसा कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, यही ऐसा ही कुछ हमारा फ्लॉक्यूल्स दिखता है सस्पेंशन के अंदर। सो नेक्स्ट हम डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं फ्लॉक्यूलेटेड एंड डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन के बिटवीन। सो फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन इज अ सस्पेंशन इन विच पार्टिकल अंडरगो फ्लॉक्यूलेशन, एंड डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन इज अ सस्पेंशन वेयर नो फ्लॉक्यूलेशन टेक प्लेस। सो फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन ये एक ऐसे टाइप का सस्पेंशन होता है जिसके अंदर हमें फ्लॉक्यूलेशन प्रोसेस देखने मिलता है, लेकिन डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन एक ऐसे टाइप का सस्पेंशन होता है जिसके अंदर हमें कोई भी फ्लॉक्यूलेशन प्रोसेस नहीं देखने मिलता। इन फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन पार्टिकल एग्जिस्ट एज लूज एग्रीगेट, इन डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन पार्टिकल एग्जिस्ट एज सेपरेट एंटिटी। यानी कि जो फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन होता है उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर एक लूज एग्रीगेट की तरह होता है, यानी कि ज्यादा मजबूत नहीं होता। लेकिन डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन के अंदर कोई भी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनता हुआ दिखता है हमें, इसकी वजह से उसके अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो एक सेपरेट एंटिटी की तरह ही काम करता है, यानी कि वो एक सेपरेट पार्टिकल की तरह ही रहेंगे। इन फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन वी कैन सी फ्लॉक्यूल्स, बट इन डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन वी डू नॉट सी एनी फ्लॉक्यूल्स। सो फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन है तो इसके अंदर हमें फ्लॉक्यूल्स देखने मिलेंगे, लेकिन अगर डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन है तो डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में हमें किसी भी टाइप्स का फ्लॉक्यूल्स नहीं देखने मिलता। इन फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज हाई, इन डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज लो। सो फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन के अंदर जो भी सेडिमेंटेशन रेट होता है वो हाई होता है, लेकिन डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन के अंदर जो सेडिमेंटेशन रेट होता है वो लो होता है। इन फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन द सेडिमेंट विच इज फॉर्म इज लूज, बट इन डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन द सेडिमेंट फॉर्म इज हार्ड। सो फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन के अंदर जो भी सेडिमेंट बनता है वो लूज होता है, यानी कि वो ज़्यादा कड़क नहीं होता, ज़्यादा हार्ड नहीं होता वो, लेकिन डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन के अंदर जो भी सेडिमेंट हमें बनता हुआ दिखता है वो हार्ड होता है। फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन आर इजी टू रीडिस्पर्स बाय एजिटेशन, बट डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन आर डिफिकल्ट टू रीडिस्पर्स बाय एजिटेशन। सो जैसा कि अभी हमने देखा कि फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन जो होता है उसके अंदर जो भी सेडिमेंट बनता है वो लूज होता है, इसकी वजह से फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन को रीडिस्पर्स करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में ऐसा नहीं होता। डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में जैसे कि हमने देखा था कि जो सेडिमेंट बनता है वो हार्ड इन स्ट्रक्चर होता है, इसकी वजह से डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन को रीडिस्पर्स करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। द स्टेबिलिटी ऑफ फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन इज हाई, द स्टेबिलिटी ऑफ डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन इज लो। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें सो फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन की जो स्टेबिलिटी होती है वो हाई होती है, लेकिन डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन की जो स्टेबिलिटी होती है वो लो होती है। द अपीयरेंस ऑफ फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन इज नॉट प्लीजिंग, द अपीयरेंस ऑफ डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन इज प्लीजिंग। यानी कि फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन का जो अपीयरेंस होता है वो बहुत ही बेकार होता है, वो प्लीजिंग नहीं होता, लेकिन डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन का जो अपीयरेंस होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, वो प्लीजिंग होता है, यानी कि वो दिखने में अच्छा दिखता है। सुपरनेटेंट लिक्विड ऑफ फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन इज क्लियर, सुपरनेटेंट लिक्विड ऑफ डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन इज नॉट क्लियर। जो सुपरनेटेंट लिक्विड होता है फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन का वो हमें क्लियर दिखता है, लेकिन डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन का जो भी सुपरनेटेंट लिक्विड होता है वो हमें क्लियर नहीं दिखता, वो थोड़ा सा ब्लरी दिखेगा हमें, थोड़ा सा क्लाउडी दिखेगा। अब ये सुपरनेटेंट लिक्विड का मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी हम पता है कि जो सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन के अंदर अगर सॉलिड पार्टिकल नीचे आके अगर बैठ जाते हैं तो हमें क्या दिखेगा, हमें ऊपर सिर्फ और सिर्फ लिक्विड दिखेगा, तो इसी लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, सुपरनेटेंट लिक्विड। जैसे कि अगर मेरे ग्लास में अगर मिट्टी और पानी का मिक्सचर है, अगर उस मिक्सचर को मैं साइड में रख दूं थोड़े टाइम तक, तो हमें क्या देखने मिलेगा थोड़े टाइम बाद, कि जो मिट्टी है वो नीचे आके बैठ जाता है लेकिन जो पानी है वो ऊपर ही रह जाता है, वो पानी एकदम साफ दिखता है। तो ऊपर जो पानी है उसी को हम बोलते हैं सुपरनेटेंट लिक्विड, और यही सुपरनेटेंट लिक्विड फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में हमें क्लियर दिखता है, लेकिन डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में हमें क्लियर नहीं दिखता।
इन फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन पार्टिकल एक्सपीरियंस अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम, इन डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन पार्टिकल एक्सपीरियंस रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम। यानी कि फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में हमें अट्रैक्टिव फोर्स देखने मिलता है, यानी कि पार्टिकल जो होंगे वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होंगे, इसकी वजह से ही हमें फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन के अंदर एक फ्लॉक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ दिखता है। लेकिन डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में ऐसा नहीं होता। डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होते हैं दो पार्टिकल्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स देखने मिलता है, यानी कि वो दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर भागेंगे। बायो अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन इज लो, वेर एज बायो अवेलेबिलिटी ऑफ डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन इज हाई। अगर हम बायो अवेलेबिलिटी की बात करें फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन की, सो फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन की जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो कम होती है, लेकिन डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन की जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो हाई होती है, यानी कि ज़्यादा होती है। सो ये तो था डिफरेंस बिटवीन फ्लॉकुलेटेड एंड डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। सो नेक्स्ट हम स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन के बारे में देख लेते हैं, यानी कि जो भी सस्पेंशन हमने बनाया हुआ है उस पर्टिकुलर सस्पेंशन की स्टेबिलिटी कैसी है, वो सस्पेंशन कितने टाइम तक कितने समय तक वो स्टेबल रहेगा, वो सब हमें पढ़ना है इसके अंदर। तो ये सब चेक करने के लिए ना हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहला मेथड होता है सेडिमेंटेशन वॉल्यूम। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट टू द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द सस्पेंशन। सो जो भी रेशियो होता है अल्टीमेट वॉल्यूम और ओरिजिनल वॉल्यूम का, उसी को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन वॉल्यूम। और सेडिमेंटेशन वॉल्यूम का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है F equals to VU upon VO, यानी कि इसके अंदर जो F है उसका मतलब होता है सेडिमेंटेशन वॉल्यूम, और इसके अंदर जो VU है उसका मतलब होता है अल्टीमेट वॉल्यूम, या फिर इसको हम अल्टीमेट हाइट भी बोलते हैं। और जो VO है ये होता है हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम, बहुत लोग इसे ओरिजिनल हाइट भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम इसका प्रोसीजर देख लेते हैं कि यानी कि सेडिमेंटेशन वॉल्यूम के अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो सस्पेंशन है वो कितना स्टेबल है। सो सस्पेंशन इज टेकन इन अ मेजरिंग सिलेंडर अप टू डिफाइंड हाइट एंड लेफ्ट अनडिस्टर्ब एंड मेजर द ओरिजिनल हाइट ऑफ सस्पेंशन दैट इज VO। सॉलिड पार्टिकल इन सस्पेंशन विल स्टार्ट टू सेटल डाउन। Measure the ultimate height of suspension at particular interval of time after solid particle starts to settle. Determine sedimentation volume by using formula. Plot the graph by using value of f against time t. The plot should be horizontal line. सो इस वाले मेथड में हम क्या करते हैं, हम एक मेजरिंग सिलेंडर लेते हैं, उसके अंदर हम स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हम सस्पेंशन कितना भी ले सकते हैं, 50 ml सस्पेंशन भी ले सकते हैं या फिर 100 ml सस्पेंशन भी ले सकते हैं। उसको हमने मेजरिंग सिलेंडर में डालना है, उसका एक हाइट मेजर करना है, और जब हम इसका हाइट मेजर करेंगे इस सस्पेंशन का, उसी हाइट को हम बोलेंगे हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी कि VO हमें यहाँ पे मिल जाएगा। फिर हमें क्या करना है, हमें इस सस्पेंशन को एक जगह पर रख देना है और उसे हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, यानी कि उसे हमें हिलाना डुलाना नहीं हो मेजरिंग सिलेंडर को। जब हम इस सस्पेंशन को मेजरिंग सिलेंडर के अंदर भर के एक जगह पर रख देंगे तो हमें क्या देखने मिलेगा कि सस्पेंशन के अंदर जो भी सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो धीरे धीरे नीचे आना चालू हो जाएंगे, यानी कि वो नीचे लेयर बनाना चालू कर देंगे। और इसी लेयर को हमने पढ़ा था कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सेडिमेंट बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, इसी सेडिमेंट के हाइट को, इसी सेडिमेंट के वॉल्यूम को हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे हमें इसे मेजर करना है। एक एक घंटे का इंटरवल हमें लेना है, उसके अंदर हमें इसे मेजर करना है, और इसी मेजरमेंट के बाद हमें क्या मिल जाएगा, हमारा VU यानी कि अल्टीमेट वॉल्यूम या फिर अल्टीमेट हाइट हमें सस्पेंशन का यहाँ पे मिल जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमारा सेडिमेंटेशन वॉल्यूम जो है वो हमें फॉर्मूला से निकाल लेना है। जो भी फॉर्मूला हमारे पास है F इक्वल्स टू VU अपॉन V0, इसके जरिए हमारा सेडिमेंटेशन वॉल्यूम हमें मिल जाएगा। फिर हमें क्या करना है, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम को और टाइम को लेके एक ग्राफ प्लॉट करना है, और ये जो भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होना चाहिए। अब जब हमें हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगा ग्राफ प्लॉट करने के बाद, तो हमें क्या समझना है कि हमारा जो सस्पेंशन है उसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं मिल रहा है तो हमें क्या समझ जाना है कि हमारे सस्पेंशन की जो स्टेबिलिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है, हमारा सस्पेंशन एक अनस्टेबल है, एक इनस्टेबल सस्पेंशन है। नेक्स्ट मेथड होता है रियोलॉजिकल मेथड। इन दिस मेथड द विस्कोसिटी ऑफ सस्पेंशन इज स्टडीड एट डिफरेंट टाइम इंटरवल बाय यूजिंग अ गुड क्वालिटी ऑफ विस्कोमीटर। इट प्रोवाइड द यूजफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन। सो नेक्स्ट मेथड होता है रियोलॉजिकल मेथड। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सस्पेंशन की जो विस्कोसिटी होती है उसको मेजर करते हैं, यानी कि हमारा सस्पेंशन कितना ज़्यादा गाढ़ा है, कितना पतला है, उसको हम डिटरमाइन करते हैं। और ये डिटरमाइन करते हैं हम एक विस्कोमीटर के हेल्प से, और ये डिटरमाइन करने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा जो सस्पेंशन है वो कितना स्टेबल है। नेक्स्ट मेथड होता है इलेक्ट्रोकाइनेटिक मेथड। इन दिस मेथड द माइग्रेशन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स आर मेजर्ड बाय यूजिंग इलेक्ट्रोफोरेटिक टेक्निक। दिस माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल इज ऑल्सो कॉल्ड एज जेटा पोटेंशियल। मेजरमेंट ऑफ जेटा पोटेंशियल हेल्प अस टू फाइंड आउट द स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन। सो जैसे कि हमें पता है कि हमारे सस्पेंशन के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड के अंदर यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं। तो ये जो सॉलिड पार्टिकल हैं इसके घूमने की स्पीड को, इसके माइग्रेशन स्पीड को हम बोलते हैं जेटा पोटेंशियल, और इसी जेटा पोटेंशियल को हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफोरेटिक टेक्निक। और इस जेटा पोटेंशियल को जब हम मेजर करेंगे, यानी कि जो भी माइग्रेशन स्पीड होता है सॉलिड पार्टिकल का, अगर हम उसे मेजर कर लेते हैं तो हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हमारा सस्पेंशन कितना स्टेबल है।
नेक्स्ट मेथड है माइक्रोमेरिटिक मेथड. स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन डिपेंड ऑन द पार्टिकल साइज ऑफ द सॉलिड पार्टिकल दैट इज डिस्पर्स फिस. इफ साइज ऑफ पार्टिकल ग्रोस देन इट मे लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ लम्स और केक विच डिक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन. दिस चेंज इन पार्टिकल साइज इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग माइक्रोस्कोपी एंड कोल्टार काउंटर मेथड. सो माइक्रोमेरिटिक मेथड में हम क्या करते हैं, हमें ये चेक करना होता है कि हमारे सस्पेंशन के अंदर जो भी सॉलिड पार्टिकल है उसका साइज कितना है. अगर क्या होता है कि हमारे सस्पेंशन के अंदर जो भी सॉलिड पार्टिकल है उसका साइज अगर बहुत ज़्यादा हुआ ना तो हमारा सस्पेंशन जो है उसकी स्टेबिलिटी बेकार हो जाती है, हमारा सस्पेंशन स्टेबल नहीं होता. तो इस मेथड में हमें यही चेक करना होता है कि हमारे सस्पेंशन के अंदर जो भी सॉलिड पार्टिकल है उनका साइज कितने स्पीड से ग्रो हो रहा है, यानी कि उसका साइज कितना ज़्यादा बढ़ रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पे. तो हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हमारा सस्पेंशन स्टोरेज के दौरान वो स्टेबल होगा या स्टेबल नहीं होगा, या फिर कितने टाइम तक वो स्टेबल रहेगा या फिर कितने टाइम बाद वो इनस्टेबल हो जाएगा. तो ये तो था स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन, होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा. यहाँ पे जो हमारा सस्पेंशन वाला चैप्टर है वो पूरी तरह से खत्म हो गया है. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस. अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है, इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेश्चन होता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे अपना डाउट ईमेल भी कर सकते हैं. इंस्टाग्राम पे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है फार्मा यूनिट नाम से. और इस वीडियो के जो पीडीएफ नोट्स है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करने मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप वो पर्टिकुलर पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं. तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में.